बस कोई बहुत ही अच्छा लड़का हो, खानदान वाले भी अच्छे हों, पढ़ी लिखी फैमिली हो तो मुझे फौरन बताना, है ना। सारा की प्रोफाइल तो मैंने तुम्हें भेज दी थी। और सुनो, जरा देख लेना कि लड़का थोड़ा हैंडसम भी हो। सारा को तो तुमने देखा हुआ है, कोई ऐब नहीं है मेरी लड़की में। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल। अब देखो, उसने अब हाँ कर दी है ना, तो मैं चाहती हूँ जल्द अज जल्द उसकी बात पक्की हो जाए, है ना। ठीक है, ओके ओके, फिर जल्द बताना। खुदाफिज। यास्मीन, तुम ये गलत कर रही हो। क्या क्या गलत कर रही हूँ? यही सारा की शादी वाली बात। इसमें गलत क्या है? तुम वहां मौजूद थी जब उसने मुझे खुद कहा है। हाँ, मगर क्या? मगर ये, क्या तुम्हें लगता है कि सारा ने बात दिल से की थी? अब इस बात को नापने के लिए कोई आला तो इजाद हुआ नहीं है कि दिल से कहा था कि नहीं। सारा साथ से मोहब्बत करने लगी थी। यास्मीन, तुम जानती हो एक औरत के दिल से मोहब्बत इतने जल्दी खत्म नहीं होती। वो अभी भी उससे प्यार करती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सारा बहुत समझदार है। जब वो जानती है कि साथ उसके साथ खेल तमाशे कर रहा था, तो वो अब उससे क्यों मोहब्बत करेगी? क्योंकि यास्मीन, मोहब्बत का कोई स्विच नहीं होता है जिससे उसे ऑन ऑफ किया जाए। तुम जानती हो, जब शकील ने दूसरी शादी की तो क्या तुमने उससे नफरत करना शुरू कर दी थी? नहीं, तुम्हें बहुत गुस्सा था, लेकिन मोहब्बत फिर भी करती थी। और इसी वजह से तुमने इतने सालों तक ये बात खाला जान और तमाम घर वालों से छुपा के रखी। और यही वजह है कि आज वो दोबारा यहाँ रहते हैं, क्योंकि मोहब्बत खत्म नहीं होती है। देखो, सारा का दिल टूटा हुआ है, वो उस वक्त जज्बाती हो रही थी, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम तो सोच समझ के फैसला करें। बस बस, अपनी बेटी के लिए कौन से फैसले करने हैं ये मैं खुद तय करूंगी। तुम्हें ज्यादा सगी बनने की जरूरत नहीं है। और मैं देख रही हूँ काफी दिनों से तुम मेरे साथ बहुत फ्री होने की कोशिश कर रही हो। अपने काम से काम रखो, समझी?